मकर संक्रांति भारत में सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के अवसर को मनाने के लिए मनाई जाती है। इस दिन को देवताओं का दिन भी कहा जाता है। इस दिन सूर्य उत्तरायण होते हैं और शास्त्र में उत्तरायण के समय को देवताओं का समय माना गया है। इस साल मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाई जा रही है। पौराणिक कथा के अनुसार मकर संक्रांति के दिन ही सूर्य देव अपने पुत्र शनि को मिलने उनके घर जाते हैं। ये पर्व पिता पुत्र के अनोखे मिलान से भी जुड़ा हुआ है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब पहली बार सूर्य देव अपनी पत्नी छाया और उनके पुत्र शनि से मिलने उनके घर जाते हैं, तब शनि देव ने काले तिल से उनका स्वागत किया था। सूर्य देव ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि जब भी मैं मकर राशि में प्रवेश करूंगा, जो लोग इस दिन मुझे काले तिल अर्पित करेंगे उनका जीवन खुशियों से भर जाएगा और उनके घर में सुख शांति निवास करेगी। मकर शनि की राशि है, यही वजह है कि मकर संक्रांति को महत्वपूर्ण माना जाता है। एक पौराणिक कथा की मान्यता ये भी है कि इस दिन सूर्य देव के रथ से ये घर निकल जाते हैं और फिर सातों घोड़े सूर्य देव के रथ में जुड़ जाते हैं। इससे सूर्य देव का वेग और प्रभाव बढ़ जाता है। इसीलिए इस दिन से शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं और मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। आप सभी को एनबीसीएन न्यूज की ओर से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। एनबीसीएन न्यूज के लिए प्रकाश शंकलवार की स्पेशल रिपोर्ट।